गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 12 यूनिट 3 लेसन नंबर 3 मैनेजोरी स्ट्रेस यानी तनाव। आप अपने स्ट्रेस को, अगर मनुष्य के अंदर जो स्ट्रेस है, तनाव है, तो वह किस प्रकार उसको मैनेज करें, किस प्रकार संतुलन में बनाकर रखे, यही इस लेसन में आप लोग पढ़ेंगे। आप स्ट्रेंथिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, ताकतवर मेंटल माने मानसिक लचीलापन। आज के भागदौड़ की दुनिया में मनुष्य इतना व्यस्त है, उसके अंदर इतना स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है कि वह अपने जिम्मेदारी को न समझते हुए उस परिस्थिति से भाग जाता है। तो इस लेसन में आप लोगों को यह सीख दिया गया है कि हम अपने स्ट्रेस को किस प्रकार मैनेज करें, किस प्रकार व्यवस्थित या संतुलन बना करके हम चले। हम पढ़ा रहे हैं मैनेजोरी स्ट्रेस लेसन नंबर 3। माइंड इमोशन एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। जो राइटर है बोलता है कि दिमाग, इमोशन हमारी भावनाएं और हमारा शरीर एक दूसरे से एक्लोजली एकदम नजदीकी रूप से इंटरलिंक हैं, जुड़े हैं और हमेशा साथ साथ काम करते हैं। इट हेल्प यू, यह हमारी मदद करता है। डिस्टिंग्विश देम मोर क्लियरली, अलग अलग परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट करता है। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सेपरेटली, अगर हम इस विषय पर सोचें, समझने का प्रयास करें, तो अलग अलग रूप से हम स्पष्ट रूप से पा जाएंगे। योर मेंटल कैपेसिटी, जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, और योर एबिलिटी, जो हमारी ये सक्षमता है टू कंसंट्रेट, हमें एकाग्रता से रहना है या एकाग्र होकर के रहना है, टू टेक ए न्यू इन्फॉर्मेशन, जिससे हम एक नई सूचनाओं को ले सकें, टू रिमेम्बर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टू बी इन द पोजिशन टू थिंक क्लोजली, चाहे हमारी पुरानी हो चाहे नई सूचनाएं हो, ये हमें उस स्तर पर एक लॉजिकली तर्क वितर्क करके ही सोचना है। यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्टडी, टू वर्क, टू इम्प्रेस द कंस्ट्रक्टिव एंड द वर्केबल ऑर्डर ऑन योर लाइफ। हम जानते हैं कि हमें ज़रूरत है तुम्हारे जो मानसिक क्षमताएं हैं, एक व्यवस्थित क्रम से, चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे हम कोई भी काम करें, एक ऑर्डर के तहत अपने जीवन में हम उसको ढाल सकते हैं। एंड टू मेक रेशनल डे टू डे, और अनुपातिक तौर से हम दिन प्रतिदिन उस क्रिया के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ यू हैव टू च्वाइस टू वॉकिंग टू वर्क, एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको पसंद है टहलना या काम करना, या टेकिंग द कार या बाई करना, कार को लेना, द फैक्ट वह तथ्य या वह विषय वस्तु डेट इज वॉज रेनिंग हार्ड, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। एंड यू हैड ए कोल्ड कूल लीड यू टू द डिसीजन, आपको एक शांति, सहज रूप से, ठंडे दिमाग से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। डेट इज वॉज बेटर टू टेक द कार, जिससे आप उस कार को क्या कर सके, अच्छे ढंग से ले सके। डेट वुड बी द रेशनल डिसीजन बेस्ड ऑन द करेंट रेस्टू मेंटेनेंस। तो यह अनुपातिक निर्णय आपका उस वर्तमान परिस्थितियों पर क्या होगा, आधारित होगा या निर्भर होगा। द माइंड इज द रेशनल लॉजिक पार्ट ऑफ यू, हमारा दिमाग एक अनुपातिक तौर से तर्क वितर्क का एक हिस्सा है। डेट हेल्प यू टू मेक अन इमोशनल च्वाइस, जो क्या करता है, हमें अन इमोशनल पसंदीदा में मदद करता है। टू स्टोर एंड री ट्रू
हमें संग्रहित करने में मदद करता है, फिर से उस क्रिया को करने में और सूचनाओं को इन्फॉर्मेशन को करने में मदद करता है। एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट हमें ये दर्शाता है कि हम उस परिस्थिति को किस प्रकार आकलन कर सकें। इट इज द काउंटर पार्ट टू द इमोशन, यह हिस्सा है हमारे भावनाओं का, ये क्या है, एक प्रकार का हिस्सा है। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरेक्शन, एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर दर्शाया जाएगा इंटरेक्शन का बिटवीन माइंड एंड इमोशन, हमारे जो दिमाग है और हमारी जो भावनाएं हैं। इन एग्जाम नर्वस, ये स्टूडेंट लाइफ में जो राइटर है वो उदाहरण दिया है कि हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं, जब हम परीक्षा भवन में बैठते हैं तो हम उस समय नर्वस हो जाते हैं। योर मेंटल कैपेसिटी हैज हेल्प यू, तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो आपकी तुरंत मेंटल क्षमताएं हैं, वो आपका मदद करती है, हेल्प यू रिटेन व्हाट यू हैव रिवाइज। उस परिस्थिति में आपने जो रिवाइज किया है, जो विषय वस्तु को आपने पढ़ा है, आपके वो हेल्प करेगा। यू नो योर स्टफ, और आप जानते हो, यू विल डू यू विल डन, आप उसको कर सकते हो। बट व्हेन यू इंटर द एग्जाम रूम, लेकिन परिस्थिति तब आती है जब आप एग्जाम भवन में इंटर करते हो या प्रवेश करते हो, एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, तो उस समय आपकी जो भावनाएं हैं आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और आप इमोशन से भर जाते हो। आप जो कुछ भी याद किए हो आपको भूलने लगता है। बाय एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज, और आप एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टी और न चाहते हुए भी उस परिस्थिति से जूझने लगते हो। एंड इमेजिंग फेलियर, और अपने अंदर ये इमेज करते हो कि मैं फेलियर, अपने आप में असफल होऊंगा। ऑल ऑफ सडन, ये सब अचानक होता है। द केयरफुली स्टोरेड इन्फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर, आपने जो सावधानी पूर्वक जो सूचनाओं को अपने माइंड में स्टोर किया है वो लंबे समय तक नहीं रहता, अवेलेबल नहीं होता। योर इमोशन है बेयर्ड द वे टू योर इनर इन्फॉर्मेशन स्टोर, तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो वर्जित कर देती हैं, वो नेग्लेक्ट कर देती हैं जो आपके इनर इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जो आपने लर्न किया है, जो आपने याद किया है, अपने मानसिक दिमाग में रखा है, वो वह बाह्य रूप से आपके दिमाग में से निकल जाती हैं। रीजन यू एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टी, क्योंकि आप नर्वस होकर के उस परीक्षा हॉल में इंटर कर रहे हो, इसलिए आपने जो लर्न किया है वो सब आपके दिमाग से वायरेड हो जाता है। डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, कि आप चाहते हो कि निम्नलिखित वेज को, निम्नलिखित तरीके को अपना करके अपने इंटरैक्ट इमोशन को किस प्रकार आप पुनः रिवाइज कर सकते हो।